हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप कंफ्यूज हैं कि मैथ्स को मैं किस तरह से रिवाइज करूं? क्या आप कंफ्यूज हैं कि मुझे सब कुछ आता है लेकिन फिर भी डर लग रहा है कि मैथ्स में मैं कैसे स्कोर कर सकता हूं? या आप कंफ्यूज हैं कि जस्ट मैथ्स को जैसे ही मैं उठाता हूं तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है? तो इस तरह के आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे कि मैं मैथ्स का रिविज़न किस तरह से करूँ। तो आज के इस वीडियोज़ के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैथ्स को पढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, मैथ्स के अंदर 80 आउट ऑफ 80 अगर स्कोर करना है तो उसकी स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, मैथ्स को 4 डेज के अंदर, क्योंकि जस्ट आप अभी हिंदी का पेपर देकर आए हैं और आज 17 है तो आज का दिन हम काउंट जरूर करेंगे, तो आपके पास 17, 18, 19, 20 और आपका 21 को क्या है, एग्ज़ाम है, तो हमारे पास 4 डेज़ हैं। तो 4 डेज़ के अंदर पूरे मैथ्स को किस तरह से रिवाइज़ करना है और अच्छे मार्क्स किस तरह से लेकर आना है। तो देखिए, आपके अभी तक जितने भी पेपर्स हुए हैं, आपका हिंदी हो गया, कंप्यूटर हो गया, SST हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के ये अच्छे पेपर गए होंगे। लेकिन हमारा जो लास्ट पेपर है मैथमेटिक्स का, अगर इसके अंदर आपने अच्छा स्कोर नहीं किया तो आपका परसेंटेज डाउन हो सकता है। ठीक है, तो अब हम नेगेटिव बातें नहीं करेंगे, हम पॉजिटिव लेकर आएंगे। पॉजिटिविटी के लिए अपने को क्या करना है, मैथ्स के पेपर को फोड़ देना है पकड़ के, और उसको फोड़ने के लिए आज के इस लेक्चर के अंदर जो भी टिप्स मैं बताने वाला हूं, जो भी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, आप उसको फॉलो करिए और स्टेप बाय स्टेप जो भी स्टडी का पैटर्न है मैथमेटिक्स को कंप्लीट करने के लिए, आप उसको फॉलो करिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको मटेरियल ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक को शेयर किया है ना, तो वो लिंक के थ्रू भी आप वीडियोस को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे चैनल APT अड्डा में जाइए और उसके अंदर जितने भी चैनल के अंदर प्लेलिस्ट हैं तो उसमें क्लास 10 मैथमेटिक्स के जितने भी फोल्डर्स हैं आप उनको देखिए, क्वेश्चन आपको वहीं से मिलने वाले हैं। ठीक है, जैसे ही पेपर मैथ्स का आपका ख़त्म हो जाएगा, आप वो पेपर और मेरे वीडियोस को कंपेयर कर लेना, आपको भी लगेगा कि हाँ सर, यहीं से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो क्या करना है, मिस्टेक नहीं करना है, जितने भी वीडियोस हैं आप उनको 1x1 देखिए, और मैंने सभी चैप्टर्स के सभी के फोल्डर्स मैंने अलग अलग बना रखे हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा इशू क्या है कि जैसे ही आप मैथ्स की बुक उठाकर देखते होंगे तो आपको क्या लगता होगा कि सर हमें तो सब कुछ आता है, लेकिन अंदर से फिर भी क्या हो रहा है, डर लग रहा है कि पता नहीं सर कैसा पेपर आएगा और किस तरह से हम उसको अटेम्प्ट करेंगे। तो आज इसी डर को हम ख़त्म करेंगे और बने रहें इस वीडियो के एंड तक, जितनी भी चीज़ें हैं आप उसको गौर से सुनिएगा। देखिए, हमें मैथ्स के पेपर का पैटर्न तो पता है, हमारे पास कितने सेक्शन हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। अब ज़रा सोचिए, सेक्शन ही हमारे पास 5 है, तो पेपर का जो पैटर्न है वो थोड़ा लेंदी है। लेंदी इन द सेंस, अपने को टाइम मैनेजमेंट भी करना है कि कितनी कम टाइम में हम इसको क्या कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं। और इसके अंदर हमारे पास 1 मार्क के क्वेश्चन हैं, क्लियर। इसके अंदर कितने मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, और इसके अंदर कितने मार्क्स के हैं, 3 मार्क्स के, और डी के अंदर क्या है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, और इसके अंदर 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, क्लियर। और ये वाले सेक्शन को हम बोलते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, है ना, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, और इसको हम बोलते हैं MCQ, क्लियर। तो MCQ 1 मार्क के कितने मार्क्स हो गए, 20 मार्क्स ही हो गए आपके, और 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे तो इसके कितने हो गए, 10 मार्क्स हो गए, क्लियर। और इसके अंदर हमारे 3 मार्क्स के आएंगे 6 क्वेश्चन, तो 6 3 जा कितने हो गए, 18, और इसके 4 मार्क आएंगे तो 4 5 जा कितने हो गए, 20, और 4 4 मार्क्स की 3 केस स्टडी आएगी तो कितने हो गए, 12 हो गए, क्लियर। तो देखो 18 और ये कितने हो गए, 30, 30 और 20 कितने हो गए, 50, और ये हो गए 60, और ये कितने हो गए, 80। अब जरा खुद सोचिए, सबसे ज़्यादा मार्क्स कहाँ पर हैं, यहीं पर तो हैं, क्लियर। अगर 5 5 मार्क्स के आपकी जो 4 क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन में अगर आपके 2 क्वेश्चन भी छूट गए तो 10 नंबर का तुरंत लॉस है यहाँ पर, है ना। तो सबसे ज़्यादा फोकस हमें किस चीज़ पर करना है, देखिए ये भी 20 मार्क्स के हैं, लेकिन होगा क्या, इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, 20 क्वेश्चंस हैं, तो 20 क्वेश्चंस में गारंटी नहीं कि आप 20 out of 20 सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप 20 out of 20 ला नहीं सकते, अगर MCQs ईजी आ जाते हैं तो आप आसानी से 20 स्कोर कर सकते हैं। लेकिन एक जो साइकोलॉजिकल क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का जो टाइम होता है ना, वो इसके अंदर अपने को ज़्यादा नहीं लगने वाला है 20 मार्क्स अटैम्प्ट करने के,
लिए, लेकिन इसके अंदर बहुत टाइम जाएगा आपका। तो यही सारी बातों को आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरह से हम पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे, मैथमेटिक्स को किस तरह से स्टार्ट करेंगे और किस तरह से उसका फिनिश ऑफ करेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले 17 तारीख आज का दिन, राइट, ये रात तक, मतलब हमें 18 को लेकर नहीं जाना है, 17 मार्च को ही आप हिंदी का पेपर देकर आए हैं, ठीक है, हिंदी का पेपर आपने दे दिया है, थोड़ा रेस्ट भी ले लिया है, उसके बाद आप मैथ्स की बुक उठाइए और क्या करना है अपने को, जितने भी केस स्टडीज़ हैं आपके पास, जो भी रेफरेंस बुक है या जो भी PYQ हैं वो उठाइए और वहाँ से केस स्टडी को क्या करना है अपने को, रिवाइज़ करना है। जितनी भी केस स्टडीज़ हैं उसको जल्दी 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 क्या करेंगे, रिवाइज़ करेंगे। केस स्टडी के अंदर पैटर्न क्या है, देखिए इसके अंदर हमारे पास 3 क्वेश्चन होंगे, 1, 2, 3, तो इसमें 2 क्वेश्चन तो आपके 1-1 मार्क के होंगे, कितने कितने मार्क के, 1-1 मार्क के, और जो एक क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क का होगा। ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, 2 मार्क का पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर हमें 2 मार्क्स वाले में एक चॉइस दी गई होगी, ठीक है। तो चॉइस वाले में से कोई सा भी एक क्वेश्चन करना है, ऐसा नहीं कि दोनों पेल करा गए, है ना, पेलने में तो वैसे ही आप बहुत एक्सपर्ट हैं, लंबी लंबी बहुत छोड़ते हैं आप लोग, ठीक है, हो गए ना। तो देखिए 2 और 2 कितने हो गए, 4 मार्क्स की केस स्टडी है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर ये केस स्टडी हमें मिलेगी कहाँ से, है ना, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, मैंने केस स्टडी के 4 वीडियोज़ बनाए हैं, राइट, वो केस स्टडी आप देखिए, क्लास 10 मैथमेटिक्स केस स्टडी का एक फोल्डर है, उस फोल्डर में जाइए और उसके अंदर अभी जो लेटेस्ट वीडियोस मैंने डाले हैं आप उसको देखिए, और जितनी भी केस स्टडीज है मैंने सभी बना दी उसके अंदर, चाहे वो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का हो चाहे बेसिक मैथमेटिक्स का हो। तो सबसे पहले आप किस पर फोकस करेंगे, केस स्टडी पे, एक दिन से ज़्यादा नहीं देंगे इसको। और मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप 17 मार्च का दिन ही सिर्फ क्या रखेंगे, आप केस स्टडी का रखेंगे, और रात में जो भी आप 12-1 बजे तक स्टडी करेंगे तब तक आप इसको क्या कर लेना है, अपने को फिनिश कर लेना है, उसके बाद छूना नहीं है केस स्टडी को, राइट। अब आते हैं ये वाले क्वेश्चंस पर, देखिए बाकी के MCQ इनके ऊपर क्या है, तो इसको मैं चैप्टर वाइज डिवाइड करता हूँ, ठीक है। देखिए कैसे मैं आपको 5 चैप्टर्स देता हूँ, पहला चैप्टर रियल नंबर, ठीक है, कौन सा चैप्टर, रियल नंबर्स, दूसरा चैप्टर पॉलीनोमियल्स, राइट, तीसरा चैप्टर आपका हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये लिख लो भाई, ये जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है, और कम टाइम में पूरी मैथ्स को आप क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। फिर आपका आ गया है प्रोबेबिलिटी, उसके बाद आपका आ गया स्टैटिस्टिक्स, ये 5 चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत ही इजी हैं और स्कोरिंग है और कम टाइम के अंदर आप इसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। देखिए 17 मार्च हमारा दिन कंप्लीट हो गया और उसके अंदर हमने सारी केस स्टडी पढ़नी है। अब आप आ जाते हैं 18 मार्च को, क्लियर, 18 मार्च को आप क्या करेंगे, मॉर्निंग में उठेंगे, कप ऑफ टी लेंगे, माइंड को फ्रेश करेंगे और सबसे पहले लगाएंगे हम, देखिए कॉन्फिडेंस लेवल देखिए आप किस तरह से बढ़ाना है, आप सबसे पहले रियल नंबर को लगाएंगे, और रियल नंबर को लगाने के लिए मेरे हिसाब से 1 घंटा सफिशियंट है, 1 घंटे के अंदर आप रियल नंबर को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, है ना, रियल नंबर वाला फोल्डर देखेंगे और जो उसके अंदर लेटेस्ट वीडियो हैं 2023 की जो वीडियोस हैं उसमें आपको पता चल जाएगा, लिखा हुआ होता है कि ये कितने टाइम की पड़ी हुई वीडियो है, पुराना वाला वीडियो नहीं देखना है, नया वाला वीडियो देखना है, ठीक है, रियल नंबर्स के। तो जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आप उसको देखिए, उसके बाद आप पॉलीनोमियल पर आएंगे। पॉलीनोमियल के अंदर मैंने एक वीडियो डाल रखा है जिसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑल क्वेश्चन रिलेटेड टू अल्फा एंड बीटा वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसको कंप्लीट करिए, राइट। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैंने एक 1 शॉट वीडियो डाला है, जस्ट अभी एक वीडियो डाला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसके अंदर मैंने अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन कराए हैं, तो आप वो 15 क्वेश्चन भी देखिए। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने सारे चैप्टर के 1 शॉट वीडियो डाल रखे हैं, अगर आप वहाँ से लगाएंगे तो गारंटी से आपको क्वेश्चन वहीं से मिलने वाला है। और इसके अलावा अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा स्टडी करने जाएंगे तो इसके अंदर और कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं,
क्योंकि जितना मैंने इसके अंदर कराया है वही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और एक्स्ट्रा आप करेंगे भी तो आपको बोरिंग लगेगा क्योंकि घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आने वाले हैं, राइट। तो सबसे ज़्यादा आप फिर 18 मार्च को किस पर फोकस करेंगे, हम ये 5 चैप्टर्स पे, क्लियर, ये कंप्लीट ही करना है 18 मार्च को, है ना। और 18 मार्च के बाद जैसी 19 मार्च आएगी, 19 मार्च वाले दिन ये क्वेश्चन को छूना भी नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट करके पैकअप करके क्या कर देना है, रख देना है, क्लियर। इसके बाद हमारे पास आती है 19 मार्च, क्लियर। 19 मार्च को हम क्या करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप 2 चैप्टर उठाएंगे 19 मार्च को, क्लियर, जो जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। एक आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक आपका हो गया एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये थोड़े से आपके लेंथी चैप्टर्स हैं, क्लियर। मैं 19 मार्च की बात कर रहा हूँ, किसकी, 19 मार्च के, और ये 19 मार्च के आफ्टरनून मतलब दोपहर तक की बात कर रहा हूँ कि दोपहर तक आपने को क्या करना है, ये 2 चैप्टर पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अब होता क्या है कि ये चैप्टर्स बहुत लेंथी हैं, तो इसको मैंने क्या किया है कि वीडियोस के अंदर मेरे जो चैनल के प्लेलिस्ट में जो वीडियोस हैं उसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वर्ड्स प्रॉब्लम हैं, क्या हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम, राइट, वो वर्ड्स प्रॉब्लम आप देखिए, 1 शॉर्ट वीडियो है। और एपी के अंदर इंडिविजुअल मैंने लगभग 20 से 25 वीडियोस डाल रखे हैं जो अलग अलग वीडियोस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप उनको देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, है ना। अब उसके अंदर होगा क्या कि आपको एनसीईआरटी भी उठाकर देखना पड़ेगी, तो उसके जो कुछ क्वेश्चन हैं मैंने एनसीईआरटी से भी लिए हैं और अलग अलग जो सैम्पल पेपर्स हैं वहाँ से मैंने वीडियोस बनाए हैं और पीवाईक्यूज हैं उसके अंदर, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर 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 लगाइएगा, अदरवाइज़ आपका लॉस हो सकता है, राइट। अब देखें, और मैं कुछ क्वेश्चन आपको अलग से बताता हूँ जो 100% एग्ज़ाम के अंदर आने वाले हैं, तो आप वो क्वेश्चंस भी ज़रूर लगाइए, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके होंगे थ्योरम का, किसका, थ्योरम का। हमारे पास टोटल 3 थ्योरम हैं, 1, 2, 3, इसमें 2 थ्योरम हमारे जो हैं वो सर्कल से रिलेटेड हैं और 1 थ्योरम जो है वो हमारा ट्राइंगल से रिलेटेड है, राइट। ट्राइंगल के अंदर हमारा जो बीपीटी है वो बीपीटी वाला, तो मुझे तो उम्मीद है कि आप लोगों ने रट लिया होगा कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होता है, गारंटी से आपके एग्ज़ाम में आने वाली है, 110% आने वाली है, और दुआ करिए कि वो 5 मार्क्स के अंदर आ जाए, जनरली वो 5 मार्क्स के लिए जाता है, तो आप यहाँ से 5 मार्क्स जो है यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं, नक्की कर सकते हैं, नक्की इन द सेंस मतलब 100% आप ये थ्योरम आपको मिलने ही वाली है, कितने मार्क्स में, 5 मार्क्स में। और अगर ये थ्योरम नहीं मिली तो यहाँ से आपको इन दोनों में से एक थ्योरम मिलेगी, सर्कल की एक थ्योरम कौन सी है कि टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, और दूसरा क्या है कि किसी सर्कल पर 2 टेंजेंट डालते हैं तो दोनों आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, गारंटी से इनमें से एक थ्योरम मिलेगी, लेकिन ये 5 मार्क्स से नहीं होगी, इसके साथ एक क्वेश्चन और अटैच होगा, है ना, वो होगा आपका क्वेश्चन, चाहे वो इससे रिलेटेड आ जाए चाहे इससे रिलेटेड आ जाए, तो जो थ्योरम आएगी उसी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा, है ना। तो सर्कल का अगर तुम्हें अच्छे से स्कोर करना है तो सर्कल वाले वीडियो के अंदर जाइए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके अंदर, तो ये तो गारंटी से अपने को क्वेश्चन मिलने वाला है, कौन सा वाला, थ्योरम वाला, है ना। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जो फर्स्ट डे है ना आपका, जिसके अंदर आपने क्या लगाया है, केस स्टडी लगाया, अगर आपको टाइम मिलता है ना तो आप इस थ्योरम पे ज़रूर जाइए, सबसे पहले थ्योरम को रटिए आप, है ना। एक क्वेश्चन और बताता हूँ, जब आप रियल नंबर पढ़ेंगे ना तो रियल नंबर के अंदर आएगा कि प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल, प्रूव दैट रूट पी इज इरेशनल, प्रूव दैट रूट पी प्लस रूट क्यू इज इरेशनल, प्रूव दैट 2 प्लस रूट 3 इरेशनल। सभी क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, सेम है, और गारंटी ले लीजिए 100% हमको 3 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन मिलने वाला है, कहीं नहीं जाने वाला है। तो आपको पहले से ही पता होगा कि ये कैसे प्रूफ किए जाते हैं, अगर नहीं पता है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप देखिए, उसके अंदर 1 शॉर्ट वीडियोस के अंदर भी हैं, अलग अलग वीडियोस भी मैंने बना रखे हैं, राइट। तो देखिए, 2 क्वेश्चन तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन और 3 मार्क्स का क्वेश्चन, तो कितने मार्क्स के क्वेश्चन, 8 मार्क्स के तो आपके यहीं क्लियर हो गए, है ना। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि बाकी के जो बचे हुए चैप्टर्स हैं, जिसके अंदर आपका एक चैप्टर हो गया ट्रिग्नोमेट्री,
है ना, एक हो गया एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। मैं देखिए इसमें किस तरह से कॉन्फिडेंस लेवल के कराना है। जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ना, वो आपका इसके अंदर क्लियर हो जाएगा। किसके अंदर? केस स्टडी के अंदर। भाई मैं जिस बात को कह रहा हूँ उसको सुनिए, इसको आप एज अ क्वेश्चन की तरह ना पढ़े। जैसे एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं कि फाइंड ये फाइंड वो, ऐसे नहीं करना है। ये चैप्टर जो है ना, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये आपका किस में क्लियर हो जाएगा? केस स्टडी में क्लियर हो जाएगा। तो केस स्टडी के अंदर आपका ये चैप्टर आ जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। 100% केस स्टडी में ही इस चैप्टर से क्वेश्चन बनने वाला है, अलग से नहीं आने वाला है क्वेश्चन, है ना। तो ये चैप्टर को मैं हटा देता हूँ, क्योंकि ये चैप्टर आपका यहीं क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री को नहीं छूना है अभी। ट्रिग्नोमेट्री को हम आएंगे 20th मार्च पर। किस पर आएंगे? 20 मार्च पर, है ना। और अब बात आती है किसके? ट्रायंगल के। अब जरा सोचिए, ट्रायंगल के अंदर अगर 5 मार्क्स का मेरे पास कौन आ जाता है? थ्योरम आ जाती है, तो एक नंबर का क्वेश्चन या तो MCQ में फंस जाएगा आपका, है ना, क्योंकि ट्रायंगल से ज़्यादा 7 मार्क्स का आने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला है। तो आप ट्रायंगल पर ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन पर फोकस ना करें। मैंने वीडियोस में शायद 10 से 12 क्वेश्चन कराए हैं, आप उनको ही देख लीजिए, वहीं से मिलने वाला है तुम्हें क्वेश्चन, है ना। और वो भी पाइथागोरस की जो एप्लीकेशन है ना, वो आ सकते हैं उसके अंदर। और अगर आप ज़्यादा ही पढ़ना चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, NCERT के एग्जाम्पल लगा सकते हैं। लेकिन भैया जो बेसिक मैथमेटिक्स के जो बच्चे हैं, वो आप NCERT के एग्जाम्पल पर ज़रूर फोकस करिए। अगर आपने NCERT के एग्जाम्पल लगा लिए ना, तो आपको ज़रूर वहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर मिलने वाले हैं बेसिक वालों के लिए। तो बेसिक का देखो, पेपर तो ईजी आता है, लेकिन आपने बेसिक मैथमेटिक्स इसलिए लिए क्योंकि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है मैथमेटिक्स के अंदर, तभी तो बेसिक दिया है। तो आपके लिए इजी नहीं होगा, है ना। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वाले के लिए क्या हो सकता है? इजी हो सकता है। तो आपको प्रॉपर जैसे मैंने बताया है इसके अंदर, उसी तरह से क्या करनी है? पढ़ाई करनी है, क्लियर। तो ट्रायंगल के अंदर आप NCERT के क्वेश्चन पे ही सबसे ज़्यादा क्या करिए? फोकस करिए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है NCERT के, वही लगाइए, है ना। अब देखिए, 5 चैप्टर आपके ये हो गए, क्लियर, और 2 चैप्टर ये हो गए, 5 और 2 7 हो गए, और 1 चैप्टर ये हो गया एप्लीकेशन हो, है ना, 8 हो गए, और 1 कौन सा हो गया? ट्रायंगल हो गया, ठीक है। और जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री को तो बिल्कुल शुरू के 2-3 दिन तो छूना ही नहीं। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री लेकर बैठ गए ना, तो आपका कवाड़ा हो जाएगा बिल्कुल, है ना। तो अपने को क्या करना है? ट्रिग्नोमेट्री लास्ट डे के लिए छोड़ देनी है, 20 तारीख वाले दिन, है ना। तो 20th मार्च को हम ट्रिग्नोमेट्री उठाएंगे। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के NCERT के जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं वो लगाएंगे। और ट्रिग्नोमेट्री इतना टफ भी नहीं है, मैं आपको बताऊं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, NCERT के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आएगा कि भाई cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60, है ना, और प्लस 4 sec 30, आप इसकी वैल्यू बताओ। तो 100% एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए तो ऐसा आने ही वाला है। अब बताइए, ये कौन से एंगल से टफ लग रहा है आपको, है ना। ट्रिग्नोमेट्री को कैसे कंट्रोल करना है, ज़रा सोचिए। ये वाले जो क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं, आपको वैल्यूज़ पता होना चाहिए। तो सबसे पहले एग्ज़ाम के अंदर क्या करेंगे? वैल्यूज़ पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है सबसे पहले टेबल बनाएंगे आप जाकर, है ना। टेबल बना जरूर लेना, अदरवाइज़ अगर आपने वैल्यू कोई गड़बड़ रख दी ना, तो आंसर नहीं आने वाला है, है ना। चलिए, एक नंबर का क्वेश्चन तो ये गारंटी से अपने को MCQs में मिलेगा, है ना। अब आता है प्रूफ वाला क्वेश्चन। तो प्रूफ वाले की जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, वो NCERT के क्वेश्चन से आने की रहती है। तो जो भी हमारे 10 से 12 क्वेश्चन है ना NCERT के, पहले उस पर फोकस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री वाला फोल्डर सर्च करेंगे, उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको लगाएंगे। लेकिन मेरे भाई, ये 20 मार्च की कहानी बता रहा हूँ मैं। 20 मार्च को हमें ट्रिग्नोमेट्री पर सबसे ज़्यादा क्या करना है? फोकस करना है, क्लियर, ओके। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन और बताता हूँ मैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जांपल के प्लस 2 और के और 3k-1, अगर ये नंबर किस में है? AP में है, तो k की वैल्यू बताओ। ये MCQ के अंदर आएगा। किसके अंदर? MCQ के अंदर, राइट। इस तरह का क्वेश्चन गारंटी से अपने को मिलने वाला है, वैरायटी लिख लीजिए, है ना। और इसके क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे चैनल के प्लेलिस्ट में, है ना। कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस बराबर कर दीजिए, के की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा,
एक क्वेश्चन आपका आएगा डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, क्या निकालिए, डिस्क्रिमिनेंट, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए पूछेगा। और अगर 2 मार्क्स के लिए दे दिया तो बताएगा, पूछेगा कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रूट, कि इसके जो रूट्स हैं उसका नेचर क्या है, इक्वल हैं, रियल हैं या अनइक्वल हैं या नॉट रियल हैं, है ना। तो इसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस पर फोकस करेंगे। और तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है हमारा, वो सबसे इम्पॉर्टेंट, कि आपसे पूछेगा मीडियन क्लास बताइए, है ना, या मोड क्लास बताइए, है ना। मीडियन क्लास या मोड क्लास के लिए हमें इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हम कैसे सेलेक्ट करते हैं कि मीडियन क्लास क्या होता है या मोड क्लास क्या होता है। आपको एक टेबल बना होगा, उस टेबल में सिर्फ और सिर्फ वन मार्क के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, कि मोड क्लास जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है वही क्या कहलाता है, उसका मॉडल क्लास कहलाता है। कौन सा क्लास, मॉडल क्लास, है ना। और देखिए चौथा क्वेश्चन आपका आएगा कि अगर आपके पास कोई डेटा है उसके अंदर मीन दिया है, मीडियन दिया है, तो मोड बताइए। तो उसके अंदर ये एम्पेरिकल जो फॉर्मूला होता है आपका, थ्री मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ये फॉर्मूला गारंटी से 110% की अगर मैं गारंटी ले रहा हूँ, तो एक आपका ये क्वेश्चन हो गया, 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 एक थ्योरम हो गई, है ना, और एक √3 √2 वाला हो गया क्वेश्चन। बताइए ये गारंटी वाले क्वेश्चन हैं, 15-20 नंबर तो तुम्हारे गारंटी ले रहा हूँ मैं कि 100% यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं। आई बात समझ में, वेरी गुड। अब देखिए, अब क्वेश्चन आता है, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स है। अब इसके अंदर जो मेरा इस बार इंट्यूशन कह रहा है वो आएगा ग्राफ वाला क्वेश्चन। कौन सा, ग्राफ का। तो जितने भी सॉल्यूशन है ना, जो ग्राफिकली तुमने क्या किए होंगे, सॉल्व किए होंगे, उस पर थोड़ा फोकस करके जाइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है, राइट, तो वो क्या पूछेगा कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए, तो ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगा। आपको ग्राफ पेपर मिला होगा, एग्जाम के अंदर मिलेगा ग्राफ, है ना। फिर उसके अंदर आप क्या करेंगे, पूरा नंबर डालेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, स्केल मानेंगे, और फिर उसके हिसाब से आप एक ग्राफ बना देंगे। फिर उसके बाद वो क्या बोलेगा, फॉर एग्जाम्पल x+2y = 10 और x-3y = 5, ये 2 इक्वेशन है, ठीक है, समझाने के लिए। अब ये आपने बना दिया, फिर बोलेगा सोल्यूशन बताइए इसका, तो जहाँ पर ये कट करेगा वो उसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन। और अगर ये 3 मार्क्स में आ जाए तो उसके अंदर पूछेगा कि ये दोनों लाइन और एक्स एक्सिस से बनने वाले ट्राइंगल का क्या बताइए, एरिया बताइए। तो एरिया क्या होता है, ½ बेस × हाइट, ट्राइंगल का एरिया। तो यहाँ से यहाँ तक यूनिट गिन लेंगे आप, जैसे मान लो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 1/2 × 5 हो जाएगा। और यहाँ से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालकर इसकी हाइट निकाल लेंगे, मान लो 3 हो गई, तो 5 × 3 का कितना हो जाएगा, 15/2। तो इस तरह से आप एक एरिया आपको दिया गया होगा, अगर वो एक्स एक्सिस कहलाऊंगे तो ये ट्राइंगल होगा, और वाई एक्सिस कहलाऊंगा होगा तो ये वाला ट्राइंगल, इस तरह से ट्राइंगल की फॉर्म में होगा ये। अभी तो ये ट्राइंगल नहीं बन रहा है, लेकिन ट्राइंगल के फॉर्म में बनकर आएगा। तो ये क्वेश्चन मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि ये आ सकता है। और अगर MCQ में क्वेश्चन आएगा तो आपको एक लैंग्वेज दी गई होगी कि 5 रुपीज़ के इतने क्वाइन हैं या 10 रुपीज़ के इतने नोट हैं, है ना, तो इनको अलजेब्रिकली क्या करिए, रिप्रेजेंट करिए, क्लियर। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लो कोई बंदा है, जैसे मान लो राजू है, वो बैंक में जाता है और 2000 रुपये क्या करता है, विड्रॉल करता है, जिसमें उसके पास 10-10 के नोट होते हैं और 50-50 रुपये के नोट होते हैं। अब 10-10 रुपये के कितने नोट हैं ये नहीं मालूम है, तो 10 रुपये के आप एक्स नोट मान लो, 50 रुपये के वाई मान लो, है ना। तो 10-10 रुपये के मान लो उसके पास 10 रुपये के कितने नोट हैं, एक्स नोट हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो अमाउंट बन जाएगा, और 50 रुपये के कितने नोट हैं वाई, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो अमाउंट बन जाएगा, इक्वल टू किसके बराबर रख दो, 2000 के बराबर। तो इस तरह से आपको अलजेब्रिकली इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए आ सकते हैं। तो ये जो आपका चैप्टर है, कौन सा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो कुछ क्वेश्चन तो इस टाइप से बन सकते हैं, वरना जो 100% क्वेश्चन आएगा इसमें से वो आप सुन लीजिए, क्या कि ये तो मैं गारंटी लेता हूँ 100% में क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की गारंटी लेता हूँ मैं, गारंटी वाले क्वेश्चन में फिर से रिवाइज कराऊंगा कि कौन कौन से आ सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये आएगा आपके पास
कि आपको कोई इक्वेशन दी गई होंगी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और x माइनस 5y इज इक्वल टू 7, वो बताएगा बताइए कि ये इक्वेशन कौन से सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है, क्या यूनिक सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है या मैनी सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं या फिर नो सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, ये इसकी कंडीशन है यूनिक सोल्यूशन की। और मैनी सोल्यूशन की क्या है, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, है ना। और नो सोल्यूशन की क्या है, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। नो सोल्यूशन में ये भी पूछ सकता है क्या ये पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। मैनी सोल्यूशन में ये पूछ सकता है क्या ये कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और यूनिक सोल्यूशन पूछेगा क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये तो बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए होंगे, 100% एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क का यहाँ से मिलने वाला है। और अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो वो क्या बोलेगा, यहाँ पर के लिख देगा तो बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के अगर इसका मैनी सोल्यूशन हो, क्या हो, मैनी सोल्यूशन, तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो देखिए इसके अंदर आपका 5 चैप्टर तो आपके ये हो गए, है ना, स्टैटिस्टिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ये सब। देखिए स्टैटिस्टिक्स के अंदर तो एक क्वेश्चन 100% मिसिंग फ्रीक्वेंसी का आएगा, कौन सा आएगा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, कि इसके अंदर जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसको क्या करिए, फाइंड करिए, गारंटी से तुमको मिलने वाला है यहाँ से, क्लियर। और प्रोबेबिलिटी के अंदर अपने को छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे, ज़्यादातर एमसीक्यू पर ही फोकस करना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के जो एमसीक्यूज के क्वेश्चन हैं वही सबसे ज़्यादा आने वाले हैं इसके अंदर, है ना। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तुम्हारा केस स्टडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 100% आएगी, किससे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और आपका हो गया एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, 100% इन दोनों चैप्टर से तो केस स्टडी आने वाली हैं। और तीसरी केस स्टडी आपका पॉलिनोमियल से भी हो सकता है, किसी भी चैप्टर से हो सकता है, लेकिन ट्राइंगल चैप्टर से नहीं आने वाला है, है ना। अब हमारे पास 2 चैप्टर बचते हैं, एक एरिया रिलेटेड टू सर्कल और एक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो यार ये सभी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, फार्मूला लगाइए आंसर लेकर आइए, फार्मूला लगाइए आंसर लेकर आइए। तो वो जो थर्ड केस स्टडी होगी ना, वो हो सकता है कि हमको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से मिले, है ना। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के सारे फार्मूलाज रिवाइज करिए, और ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर फोकस ना करें, सिर्फ फार्मूला पर फोकस करिए। तो फार्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब बात आती है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आपका एक क्वेश्चन तो एमसीक्यूज में आएगा, जिसके अंदर अपने को 2 फार्मूले पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, लेंथ ऑफ आर्क, है ना, एक लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। और अगर ये चीज़ आ जाएंगी तो एरिया ऑफ सेगमेंट भी आप क्या कर सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं। तो हमारे पास जो 4 दिन है ना, ये थोड़े से कम दिन हैं, मतलब लगभग लगभग 6 से 7 दिन होना चाहिए थे अगर आराम से पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन क्या करें, हमारे पास सिर्फ 4 डेज ही हैं। तो ये 4 डेज़ के अंदर किस तरह से हमें प्लानिंग करनी है, थोड़ा सा जो बताया है मैंने इस पर फोकस करिए, पहले 5 चैप्टर कम्प्लीट करिए अपने, है ना। और जो लास्ट डे होगा, लास्ट डे वाले दिन आप किस पर फोकस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पर, क्लियर। और जो 19 का डेज होगा उसके अंदर आप क्या करेंगे, पूरे दिन के अंदर एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, एक आपका एपी हो गया, एक हो गया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और एक हो गया आपका बताइए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो गया, और एरिया रिलेटेड टू सर्कल इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे आप 19 मार्च को, ठीक है। ये 4 चैप्टर आप क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। और सर्कल देखिए, सर्कल बहुत छोटा चैप्टर है सर्कल का, जिसके अंदर थ्योरम वाला ये तो क्वेश्चन आने ही वाला है, तो 4 से 5 नंबर तो तुम्हारे इसी से ही कवर हो जाएंगे। और एक आध क्वेश्चन अगर आता है अलग से सर्कल का, तो आप क्या करेंगे, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, मुश्किल से 27-28 क्वेश्चन मैंने अपलोड कर रखे हैं सर्कल के, आप उनको देख लीजिए, गारंटी से क्वेश्चन तुमको वहीं से मिलने वाला है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रेटजी कि हाउ टू स्टार्ट रिवीजन ऑफ मैथमेटिक्स एंड हाउ टू स्कोर 80 out of 80। तो अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो गारंटी से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं फिर से एक बार पूरा रिवाइज कर देता हूँ कि जो 100% वाले क्वेश्चन हैं वो क्या हैं। सबसे पहले आप थ्योरम्स पे जाएंगे, किस पे जाएंगे, थ्योरम्स, 3 थ्योरम है, तीनों को रट्टा मारिए फटाफट, ठीक है। उसके बाद आप √3, √2, 2+, √5, है ना, √p, है ना, और √n+1, √n-1, है ना, प्रूफ करिए कि ये
इरेशनल नंबर्स हैं। क्या है ये? इरेशनल। गारंटी से क्वेश्चन 3 मार्क्स का अपने मिलने वाला है। और तीसरा आप फोकस करिए किस पर? डिस्क्रिमिनेंट पर। ठीक है, केस स्टडी के साथ आप पहले ये लगा लीजिए, केस स्टडी के साथ साथ ये क्वेश्चन लगा लीजिए जो गारंटी से 100% आने वाले क्वेश्चन है। डिस्क्रिमिनेंट लगा लिए है ना, ओके, 2K+1 और 5K-6 अगर AP में है तो किसकी वैल्यू बताइए, K की वैल्यू बताइए। पांचवा कि अगर हमारे पास कोई दो इक्वेशन है, 2X+KY=6 और X-5Y=7, तो K की वैल्यू बताइए। अगर ये लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं, क्या है ये? पैरेलल। और छठा क्वेश्चन आपका, अगर 3 मीडियन, एम्पेरिकल फार्मूला याद है, 3 मीडियन = mod + 2 mean, ये फार्मूला याद है तो इसमें दो वैल्यू आपको दी गई होंगी, तीसरी पूछेगा, तीसरा कोई सा भी पूछ सकता है, दो वैल्यूज दी होंगी, कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसके अंदर, है ना। तो ये जो है ना, ये गारंटी वाले क्वेश्चन हैं, इनमें से तो 100% आना ही वाला है इसके अंदर, तो इन पे फोकस करिए। अगर मैं सारे क्वेश्चन का वेटेज भी लगाऊं तो 15 से 16 नंबर का तो ये तुम्हारा 100% वाला क्वेश्चन है, सेक्शन है, यहाँ से तो आपको करना ही पड़ेगा। तो बने रहें एपीटी अड्डा के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ये ड्यूरिंग 4 डेज आपके जितने भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस होंगे वो मैं अपलोड करूंगा, आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। तो चैप्टर वाइज में जो मैंने बताया है यही क्वेश्चंस मिलेंगे उसके अंदर। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।